मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनी डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी जीवन गाथा बता रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपने सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं तो कुछ लोग निर्भया या दामिनी। आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है। मेरा असली नाम डॉक्टर मोमिता है। आज सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसलिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की हूँ। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देखा है। मुझे याद है एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की के बावजूद मेरे पिता को मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि तू बहुत पढ़ लिख कर बड़े डॉक्टर बन, मैं हूँ। कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरे शिक्षा के लिए पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। ये बातें मुझे बहुत चुभती थीं, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। मैंने दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी शिक्षा का खर्च कम हो सके। मैं बड़े डॉक्टर बनकर अपने माता पिता को वह सारी सुख सुविधाएं देना चाहती थी अमीर लोग के घर में होती हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी और मेरी वह इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे अंक मिले। उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई और मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे और बड़ा डॉक्टर बनना था। लोगों की बेहतर सेवा करनी थी, इसलिए मैंने पीएचडी करने का निर्णय लिया और उसी कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई शुरू की। चेस्ट मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने गहन अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया। मेरे माता पिता और मैं बहुत खुश थे क्योंकि अब मेरी पीएचडी पूरी होने के बाद मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने जा रही थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने मेरी शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक सुखद जीवन देना चाहती थी। हमने एक कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया था, इसे मैं कभी नहीं भूली। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर रखते थे ताकि भूखी ना सोऊं। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीखा। कई चीज़ें मुझे पसंद, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं मांगा। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत ही समझदार हो गई हूँ और वे मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने आज ही कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी। 2024 शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा कि इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। मेरी ये बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए।
उन्होंने कहा, इस साल हम जरूर दुर्गा पूजा मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरे शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मैंने पिताजी से साफ साफ कहा कि मेरी शादी की चिंता आप मत करो, शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे पिताजी, इसलिए इसे आप मुझ पर छोड़ दो। अब मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, मेरी चिंता मत करो, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तभी मैं शादी करूँगी। मेरे माता पिता की आँखों में खुशी के आंसू आ जाते थे जब भी मैं ऐसा बोलती थी। उन्हें खुश देखकर मेरा मन भी आनंद से भर जाता था। मैंने बचपन से ही अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे वह कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें बखूबी पता होती थी। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किए थे, अपनी इच्छाओं को दबा दिया था, इसलिए अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। इसलिए मैंने अपने पहले वेतन से ही माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई। ये चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीनों से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी होती थी तो कभी कभी हफ्ते में घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे कहानी में बताती हूँ। 2024 का अगस्त महीना मेरे लिए इतना घातक साबित होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वे बीपी की दवाई लेना भूल जा सकते थे लेकिन काम करना नहीं भूलते थे। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाइयाँ लेने के लिए कहना पड़ता था। हंसते हुए वे कहते हैं, हाँ बेटी लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती है, तो हमारी बेटी नहीं बेटा है। मैं वैसे भी बहुत प्यारी थी, मेरे नाम में ही प्यार छिपा था। जब मैं कॉलेज जाती थी या ड्यूटी पर होती थी तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता था। डॉक्टर भी इस पर कभी कभी फुसफुसाते थे, लेकिन मैंने खुद को इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रखा। हाँ, लेकिन जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता था या किसी मरीज से अधिक पैसे वसूले जाते थे तो मुझे यह बात बहुत बुरी लगती थी और मैं आवाज़ उठाती थी। इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। प्राचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वे अस्पताल में क्या क्या करते हैं। मैंने कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी होने की बात सामने आई तब मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया, मेरी आवाज़ को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझसे अतिरिक्त काम करवाया जा रहा था, मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने पिताजी को ये सारी बातें बताती थी लेकिन वे मुझे कहते थे कि बेटी तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, हम गरीब लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर हैं, ये तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे, हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो फिर हम देखेंगे क्या करना है। पिताजी के साथ सही थे, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए 6 महीनों से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों का खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी मेरी दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते थे क्योंकि हमें इन चीज़ों में उलझना नहीं था।
खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजय रॉय नाम का व्यक्ति भर्ती हुआ था। वह KRG अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था। वह 5 साल से यहाँ काम कर रहा था, इसलिए उसे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को वह बेड दिलवाता था और इसके लिए उसे पैसे मिलते थे। लेकिन इस संजय राय की नज़र बहुत ख़राब थी। वह अस्पताल में आने वाली हर महिला गलत नज़रों से देखता था। उसके बारे में भी हमने चर्चा होती थी, लेकिन वह हमारे प्राचार्य का बहुत खास था और उनके लिए हमेशा काम करता था, इसलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया, क्योंकि बेवजह विवाद नहीं चाहिए था। लेकिन संजय राय की नज़र में बहुत खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नज़रें उसे खा जाती थीं, इसलिए आदमी से दूर ही रहती थी। उस दिन घर से काम पर जाने के लिए निकली, मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। जब मैं अपने घर से जा रही हूँ और अब मैं अपने माता पिता और अपने छोटे से घर को फिर कभी नहीं देख पाऊँगी, इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाई देना। और रोज़ की तरह कहने वाली मैं उस दिन जाती हूँ कहकर घर से बाहर निकली। 8 अगस्त को मैं पूरा दिन काम कर रही थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे का निर्माण चल रहा था, इसलिए ऊपर आने जाने का ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। हम सब वार्ड में इकट्ठा थे अन्य ट्रेनी डॉक्टर के साथ। हम कुछ चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय संजय राय भी वहीं था और वह मुझे घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वह वहाँ से चला गया और हम सब ने खाना खाया। फिर सभी अपने अपने काम पर लग गए। मैं थोड़ी फ्री थी, इसलिए मैंने रात को माँ को फ़ोन किया। जब तक मैं माँ को फ़ोन नहीं करती, तब तक वे और पिताजी खाना नहीं खाते थे। उन्हें बताना पड़ता था कि मैंने खाना खा लिया है, तभी वे खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मेरी माँ से आखिरी बातचीत होगी। माँ ने फ़ोन उठाते ही मुझसे मैंने पूछा, पिताजी समय पर दवाई ले रहे हैं ना, इसका ध्यान रखना। मेरी चिंता बढ़ाया मत करो, मैंने खाना खा लिया है। मेरे पिताजी को BP की समस्या थी, इसलिए समय पर दवाई लेना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। उनकी दवाइयाँ कभी नहीं छूटनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान मैं रखती थी। मुझे याद है कि एक बार पिताजी की दवाइयाँ रात में ख़त्म हो गई थी। पिताजी ने सोचा कि एक दिन दवा ना लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सुबह जाकर दवाइयाँ ले आऊँगा। लेकिन मैंने घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मैंने वही सबका खाना रोक दिया और कहा, पिताजी की दवा आने तक कोई खाना नहीं खाएगा। और इतनी रात में भी मैंने उनके लिए दवा का इंतज़ाम किया। लेकिन अब अस्पताल में ज़्यादा काम होने के कारण मुझे घर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा, इसलिए माँ को ही ज़बरदस्ती सब कुछ बताना पड़ता था। उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि पिताजी की देखभाल करें। उस दिन भी सब कुछ बिना भूले बताया और माँ से बात करके मैंने पूरे फ्लोर पर जाकर मरीजों का चेकअप किया। इसके बाद मैं आराम करने और अपने अगले अध्ययन के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम में पहुंची। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां जाना मना है। मुझे तो अब पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं तो वहां चली गई। 2:30 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा अब थोड़ा सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण बहुत थकान महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन की देखभाल के लिए समय नहीं निकल पा रही थी, इसलिए किताबें और डायरियां बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर लेट गई।
इतनी गहरी नींद में थी कि सेमिनार हॉल में कौन आ रहा है जा रहा है इसका मुझे कोई ध्यान नहीं था। फिर क्या, सुबह के समय संजय रॉय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आए, सेमिनार हॉल में कोई आया इसका भी मुझे पता नहीं क्योंकि मैं गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वह मेरे पास आया, उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर हाथ फेरने लगा तब मैं जाग गई और सामने संजय राय जैसे दुष्ट व्यक्ति को देखकर मैं बहुत डर गई। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी। उसके मुंह की बदबू से मुझे समझ आ गया था वो मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं था। मिन्नतें कर रही थी, मुझे छोड़ दो कह रही थी, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तब वो थोड़ा डर गया और जल्दबाजी में उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ ना निकल सके। मैं उसे लड़ रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले, लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। जैसा कि अब पता चला, इसका मतलब है कि मेरे खिलाफ़ सारा षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था। मैं उस दरिंदे को अपने से दूर ढक की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। जितना मैं कोशिश कर रही थी वो मुझसे दूर नहीं हो रहा था। मैं खुद को उससे बचा नहीं पाई, लड़ते लड़ते मैं हार गई और फिर उसने मुझे नोचना शुरू किया, मुझे मारना शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से ठंडी पड़ गई। कौन कौन मेरा शोषण कर रहा था ये समझ ही नहीं आया। मेरे दर्द से चीखें निकल रही थी, मैं इतनी ज़ोर से चीख रही थी, मेरी चीखें पूरी हॉस्पिटल में गूंज रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर ठंडा, बिल्कुल ठंडा पड़ गया और फिर मैंने स्त्री सम्मान और मेरे सपनों की हत्या कर दी, वो भी बहुत ही निर्ममता से। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशान याद है। मेरा चश्मा टूट गया, उसकी किरचे मेरे खून से सने हुए आँखों में घुस गईं, मेरे फटे हुए होठ दबाने के लिए उसने मेरा गला दबाया था। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे खून से सने हुए नाखून मेरे शरीर पर किए गए अनगिनत वार, जान की हड्डी टूटने तक फैली हुई मेरी टांगें और घायल हुए मेरे सहने के बाद भी मैंने उस पुरुष की क्रूरता का मुकाबला किया। लेकिन काश उन पुरुषों में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होती तो मेरी आखिरी सांस तक मैं जिंदा रह पाती। मेरे शरीर पर वार करते समय उन्होंने सोचा होता, मुझे मारते ही समय उन्हें खुद भी दर्द महसूस हुआ होता, लेकिन वो दरिंदे की तरह आकर मुझे बर्बाद कर दें। और आखिरकार इस ट्रेनी डॉक्टर मोमिता ने दुनिया से अलविदा कह दिया। मरते समय मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे माता पिता का चेहरा था, अब उनका क्या होगा, यही सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। हर दिन दूसरों की जान बचाने वाली मैं, मेरी जान बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। मरते वक्त भी मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे माता पिता कितने बड़े दुख को कैसे सहेंगे। उस दरिंदे ने मेरा शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए भी मार डाला, मेरी हत्या कर दी और फिर मेरे अधनंगे शरीर पर अधूरा कपड़ा डालकर ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। मेरी आत्मा तड़पती रही, मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10-12 घंटे की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची थी, हमारे सपने एक ही रात में टूट गए। मेरे लिए पूरा दिन सिर्फ एक ही काम था, मुझे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पता था। मुझे MD में गोल्ड मेडल चाहिए था, टॉप का डॉक्टर बनना था। मैंने अपनी डायरी में भी यही लिखा था
क्योंकि मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया था और एक रात में ही उसकी मेहनत और मेरी पढ़ाई सब कुछ जलकर राख हो गई थी। असल में अगले दिन से क्या हुआ, मेरे अपराधी पकड़ेंगे, ये सब आपको पता ही है। लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह मेरी आत्महत्या की खबर मेरे घर पहुंची कि बेटी ने उस हॉस्पिटल में ही आत्महत्या कर ली, ऐसा बताया गया। माँ तो सब कुछ खत्म हो गया कहकर रोने लगी। पिताजी तो कुछ सोचने की हालत में ही नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला और हॉस्पिटल लेकर आए। दौड़ते हुए आने वाले मेरे माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। अंदर मेरी हत्या के सबूत मिटाए जा रहे थे। मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी, बेटी को एक बार देखने दो कहकर रो रही थी। पूरे 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझे देखने की इजाज़त मिली। बेटी को घायल और अदनंगे हालत में देखकर मेरे माता पिता तुरंत ही समझ गए ये आत्महत्या नहीं हो सकती, हमारी बेटी आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरे ऐसे हालत देखकर माँ और पिता तुरंत बोले, ये बलात्कार है, माता पिता ही थे ही, लेकिन रिश्तेदार, दोस्त, सहयोगी सब मेरे लिए ज़ोर से आवाज़ उठाते हैं, मेरा बलात्कार करके मेरी हत्या की गई, इसलिए सभी गुस्से में थे। इतना बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर से वहां पहुंचती है और फिर पूछताछ शुरू होती है। तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इतनी बड़ी जनता के इस आक्रोश से संजय रॉय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा भी जाता है। बिना कुछ कहे वो आरोपी अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। फिर उसे एक गिरफ्तार कर लिया जाता है और मामला वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। किसी का कहना है कि मेरे साथ सिर्फ बलात्कार हुआ, तो कोई कह रहा है सामूहिक बलात्कार हुआ। मेरे योनि में पाया गया 151 ग्राम वीर, जो केवल उस आरोपी का बताया जा रहा है, क्या मेरे साथ हुआ सामूहिक बलात्कार दबाया जा रहा है? अचानक मरम्मत के नाम पर घटनास्थल की दीवारें तोड़ी जाने लगी, उसका क्या? इमरजेंसी रूम से CCTV कैमरा नहीं था, लेकिन जो वीडियो मिला था उसमें अब तक कोई सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? यह बलात्कार और मुझे मारने की साजिश में शामिल बड़े चेहरों को बचाने के लिए सबूत मिटाए जा रहे हैं। जनता के बीच घुस कर क्या उन दरिंदों के कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में आकर सारे सबूत नष्ट कर दिए और मेरे साथ अत्याचार करने वाले उन लोगों को छोड़कर फिर से उन्हें जीने का मौका देने का फैसला किया जा रहा है। पता नहीं अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। मेरे साथ जो हुआ वह क्यों हुआ, क्या कभी पता चलेगा? क्या संजय राय को कभी फांसी होगी या नहीं? लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जल्दी ही आपके सामने एक और निर्भया आ जाएगी। यह मत भूलो कि वो कोई बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लेकिन होगी तो वो एक औरत ही, मेरे जैसे ही एक और लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उसके आरोपियों को 7 साल बाद फांसी की सज़ा मिली थी, उसे बहुत देर से न्याय मिला। तो मुझे न्याय दिला दोगे ना? क्या मेरे माता पिता को उनकी बेटी से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा? मैंने एक डॉक्टर बनकर सभी की सेवा करने का फैसला किया था, सबको एक देवता के रूप में बचाने का निर्णय लिया था, लेकिन खुद को बचाने में असफल रही। सुन्न अवस्था में मैंने आखिरकार अपनी सांस से रोक ली और एक जीते हुए लोगों की सेवा करके खुशी से जीने का मेरा सपना अधूरा रह गया। मेरी हत्या और बलात्कार की गुत्थी अब सुलझी नज़र नहीं आ रही है। मैं वही ट्रेनी डॉक्टर बोल रही हूँ, डॉक्टर मोमिता, जो कुछ दिन पहले तक आप में से एक ही थी। बिना किसी गलती के मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी। काश उन लोगों में कुछ संवेदनशीलता होती तो आज यह महिला डॉक्टर जिंदा होती। मेरे माता पिता अभी तक इस दुख से उबर नहीं पाए।
लेकिन फिर भी मजबूती से खड़े होकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे माता पिता की एक ही बेटी थी, लेकिन आज मैं भले ही ईश्वर के पास आ गई हूँ, अब आप सभी बेटे बेटियाँ मेरे माता पिता की संतान हो। एक बेटी चली गई है, लेकिन हजारों बेटे बेटियाँ उन्हें मिल गए। इसलिए कृपया मेरे माता पिता की देखभाल करें। पिताजी बहुत स्वाभिमान है, वे किसी का पैसा नहीं लेंगे या मदद भी नहीं मांगेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि उन्हें सब कुछ मेहनत से ही पसंद है। आज उनकी बेटी उनके पास नहीं है, इसलिए आप ही मेरे माता पिता के बच्चे बन जाएं। जब भी ज़रूरत पड़े उनका साथ दें, मेरे माता पिता की मदद करें, मुझे न्याय दिलाएं और मेरे माता पिता को सुख से जीने का मौका दें। मुझे पता है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरे माता पिता भी शांति से नहीं बैठेंगे, वे अंदर ही अंदर मरते रहेंगे। ईश्वर करे मेरे साथ जो हुआ वह किसी और घर की बेटी के साथ ना हो, किसी भी माता पिता से उनकी बेटी दूर ना हो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ही मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है। आज मैं उनके पास नहीं हूँ, इतने कठिन परिस्थिति में भी मैं उनके आंसू पोंछने के लिए नहीं हूँ। दोस्तों, मुझे न्याय दिलाओ, आरोपियों को सजा दिलाओ, मेरे माता पिता का सहारा बनो, उनकी मदद करो। सच में भले ही अब मैं नहीं हूँ, लेकिन अब आप ही संतान बनो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे न्याय दिलाने के लिए कमेंट में ज़रूर बताओ, मुझे न्याय मिलेगा ना। यह कहानी सच्ची है, कोलकाता की एक महिला डॉक्टर की है, फिर भी मैंने इसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ।